नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भूमि। बांका जिले के समग्र शिक्षा सभागार में बिहार शिक्षा परियोजना एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय गैर आवासीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा दीपक कुमार, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार, सहायक पदाधिकारी गंगाधर महतो, संभाग प्रभारी उमा कुमारी, कार्यक्रम सहायक विनय कुमार शर्मा, सहायक पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह, मास्टर प्रशिक्षक राघवेंद्र कुमार झा, राकेश कुमार दुबे, रचना कुमारी और ज्योति कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डीपीओ दीपक कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बदलते परिवेश में हर व्यक्ति को बजट और बचत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह वह ज्ञान है जिससे हम भविष्य के लिए जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नोडल शिक्षक प्रशिक्षण लेकर अपने अपने विद्यालय की छात्राओं को इसकी पूर्ण जानकारी दें, ताकि छात्राएं अपने घर के सदस्यों को इस ज्ञान को शेयर कर सके। सहायक पदाधिकारी गंगाधर महतो ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज डिजिटल का युग है, इसलिए विद्यालय की छात्राओं का खाता खुलवाने से क्या क्या लाभ होती है और इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की भी जानकारी देना आवश्यक है। मौके पर सहायक पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह ने भी शिक्षकों को संबोधित किया। संभाग प्रभारी उमा कुमारी ने नोडल शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार शिक्षा परियोजना एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि बांका जिले के चयनित 45 विद्यालयों के नोडल शिक्षकों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित करना, ताकि अपने अपने विद्यालयों के छात्रों को इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराए। छात्राएं आगे चलकर गृहिणी बनेंगे यदि पूर्व में ही बजट और बचत की जानकारी और बैंकिंग प्रणाली की जानकारी हो जाती है, तो वह घर को बेहतर तरीके से बचत करते हुए संभाल सकती है। छात्राओं में जागरूकता लाने की परम आवश्यकता है। मास्टर प्रशिक्षक राघवेंद्र कुमार झा, राकेश कुमार दुबे, रचना कुमारी और ज्योति कुमारी ने संयुक्त रूप से मॉड्यूल 1 से 3 के अंतर्गत वित्तीय अवधारणाएं, बजट और बचत, बैंकिंग प्रणाली सहित अन्य जानकारियाँ दी। मौके पर विभिन्न विद्यालयों के नोडल शिक्षक मौजूद थे। बहुत सारे कार्यक्रमों को हमने इतने वर्षों से महिलाओं और किशोरियों के बीच में कराने का हमें मौका मिला, लेकिन आज पहली बार विद्यालय में अध्ययनरत वर्ग 9 से लेके 12वीं तक की कक्षाओं की कुल 40 बच्चियां प्रथम कुल 40 बच्चियां आगे नामांकित समस्त बच्चियों को फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में वित्तीय से संबंधित पैसे से संबंधित किस तरह से सावधानियां बरतनी है, बचत कैसे करना है, अपने जीवन में पैसे के महत्व को कितना वो समझ पाए, कितनी आवश्यकता है उनके जीवन में, ये समझने का मौका आज उन्हें शायद विद्यालय स्तर से और आप जैसे चिन्हित नोडल ये शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षकों के द्वारा पहली बार आप एक माध्यम बनेंगे। माननीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और आप सभी प्रतिभागी, सदन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका अभी लोग अवगत है, उमा जी ने आपको संक्षेप में इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस की जानकारी आपको दिया है। हम लोग पहली बार इस तरह का शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी। शायद अब इसका उद्देश्य भी आपको जानकारी है ही, कैसे हम एडोलेसेंट्स के साथ, बालिकाओं के साथ कैसे बातचीत करेंगे और उनकी बुनियादी जो चीज़ें हैं उसको बेहतर बनाने के लिए कैसे फाइनेंशियल जानकारी हम उसको देंगे। इसके गैर आवासीय प्रशिक्षण में सबका स्वागत है, और जो शिक्षक किसी कारण से नहीं आ सकते तो बाद नौका जी अपना पढ़ेंगे फोकस करेंगे। सर
बाकी सब माइक का वही बच्चा जी आगे सर समझते हैं कि हम बचत करते हैं विश्वास परिवार के संबंध में 20,000 / 19,000 यानी कि 1,000 बचत पहले बताए हुए खर्चों के अतिरिक्त कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी आपात स्थिति के कारण व्यय की रकम से ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ जाए। मशीन का वो भाग है जहाँ से आपको अपने लोन में पूरी होने के बाद उसकी रसीद मिल जाएगी। ये एक इनपुट डिवाइस है जो आपके लोन के लिए आपका मार्गदर्शन करता है। की पैड के माध्यम से आप जो कुछ भी इनपुट करेंगे वो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा। आइए अब देखते हैं कि एटीएम का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। नजदीकी एटीएम पर जाए और अपना कार्ड चिन्हित स्लॉट में डालें। एटीएम कार्ड चिप वाले हिस्से से निकल जाएगा। आपका कार्ड इसमें एक एटीएम वाले में पहले वाले मशीन है या अदर मशीन में देखते होंगे कि कार्ड अंदर ले लेता है। कितने लोग क्या है पता नहीं है वो कार्ड अंदर ले लिया पैसा भी दे दिया और निकलने तक वेट नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या है छोड़ दिया। आप लोग इतना चिंतित का है तो चेहरा जरा लाफिंग लायन चेहरा पर सीरियस का है तो थोड़ा सा लाफिंग जरा चेहरा रखिए एकदम